सूबे के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत आज थानो स्थित वन विश्राम गृह पहुंचे, जहां उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। कर्नाटक के बेंगलुरु में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों लगातार दूसरी बार कृषि कर्मण पुरस्कार लेने के बाद वो जोलीग्रांटी एयरपोर्ट से सीधे थानो पहुंचे, जहां उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से खुलकर मुलाकात की। भाजपा जिलाध्यक्ष शमशेर सिंह कुंडीर और मंडल अध्यक्ष मनवर नेगी ने मुख्यमंत्री का बुके देकर स्वागत किया। सर्दी की नर्म धूप और चाय की चुस्कियों के बीच मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पार्टी कार्यकर्ताओं से क्षेत्र में विकास कार्यों पर फीडबैक भी लिया। ये चुनौती तो छोटी भी चुनौतियाँ होते हैं, बड़ी भी चुनौती होती हैं, और हर चुनौती को का सामना हमको करना होता है। सरकार तमाम तरह के जो निर्णय लिए हैं, चाहे गन्ना किसानों से संबंधित होंगे या धान के किसानों के लिए, हमने ऑनलाइन पेमेंट शुरू किया और दूसरा वर्ष है ये जब किसानों को 24 घंटे के अंदर अंदर पेमेंट किया जा रहा है। पहले 3 से 4 महीना पेमेंट में लगता था धान के, तो आज किसानों को हम टाइम पर पेमेंट कर रहे हैं। हम फार्म मशीनरी बैंक बना करके 80% सब्सिडी अपने फार्मर को दे रहे हैं। अपने फार्मर्स के लिए हमने 1 लाख रुपये तक का ऋण इंडिविजुअल को वो बिना ब्याज के किया है, और समूह को 5 लाख रुपये तक का ऋण बिना ब्याज का हम दे रहे हैं। इसके अलावा समय समय पर किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए और उनकी प्रोसेसिंग यूनिट और जो सहायता समूह हैं उनके माध्यम से हम उनको मौका दे रहे हैं। राज्य में अभी भी हमने 5 हाट बनाने का निर्णय लिया, जिसमें एक देहरादून में, काशीपुर में, पिथौरागढ़ में, अल्मोड़ा में, ऐसे 5 स्थानों पर ये हाट बन रहे हैं, जहां पर हम किसानों को 15 दिन के लिए निःशुल्क उनको स्थान उपलब्ध कराएंगे। वो वहां पर आएंगे, जो उनके प्रोड्यूस हैं वो उनको वहां पर सेल कर सकेंगे।